अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब खैर वियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है सऊदी अरब में। 6 महीने पहले हमारा काम हुआ था, तो तकरीबन काम होने के बाद 4 महीने, यानी काम जब हुआ 4 महीने गुजर गए, 4 महीने के बाद सऊदी ने बोला कि अभी मुझे बाहर भी मसाला चाहिए, और ये जो छत आपको नज़र आ रहा है, ये कमरा और अंदर बाथरूम ये उसने बाद में बनवाया। तो ये पूरा 3 बिल्डिंग है, तो 3 बिल्डिंग का अभी मैंने चेंज करना है, ये पॉइंट 3 बिल्डिंग का मैंने अभी पॉइंट चेंज करना है, और मक्सले यानी बेसन 2 लगवाने थे। तो ये अंदर जो ये जो दीवार आप देख रही है, ये बाद में बनवाया। अच्छा, इस साइड पे ये दीवार आप देख रहे हो, ये बाद में बनवाया, और उसके बाद जो है ना, ये पूरा जो है ना बाथरूम और ये छत और ये बाहर गेट, अंदर गेट, और ये बाहर जो दो बेसन लगी हुई है ये पत्थर वाली, ये भी बाद में उसने लगवाया। ठीक हो गया, यानी काम ख़त्म हुआ 4 महीने बाद इसने ये लगवाया। और फिर हमें बोला, तकरीबन उसके बाद हमें बोला कि बाहर भी मुझे एक बेसन चाहिए इस दीवार के साथ। तो अभी आप देख सकते हो, हमारा सोच था कि इस तरह की बेसन लगाएगा, लेकिन उसने कहा मैंने एक बेसन लगवाना है। तो एक बेसन का पॉइंट हमने छोड़ा, तो एक बेसन का पॉइंट PVC पाइप और ठीक है। तो उसने फिर दो ये नॉर्मल जो है ना 2 लेकर आया, और ये बिल्कुल जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने जगह एक के लिए छोड़ी थी, उसने बताया भी एक, तो बाद में उसने 2 लाया, कहता है 2 लगाओ, तो फिर 2 का कुछ इस तरीके से आपने सेटिंग दे दिया। टीका का आपने डबल लगाया, और यहाँ पे जो है ना डबल टीका, यानी एक टीका के 2 मुँह जो होते हैं, और ऊपर से ये पाइप, अगर ये पाइप आप देख सकते हो, ये डबल टीका का हमने लगाया, तो अभी ये पहुँच नहीं रहा। तो इसमें सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि इसने हमसे जो है ना तासीस यानी खुदाई एक से करवाया, पॉइंट एक का चौड़ा और बाद में 2 लाया। ये अंदर अगर लगा लेता, इस तरह 2 आ जाती, तो ये फिर जो है ना बाहर बेसन होते, अगर इस तरह ये लगा लेते तो तब भी अच्छे होते बाहर की जगह पे। ये भी बाहर लगा लेता और यहाँ भी इस तरह लगाता। तो पहले ये काम हुआ था 6 महीने पहले, आप देख सकते हो यही बाथरूम है, ये फिर एक कमरा है, और दूसरा ये जो बाहर जगह है ये ओपन जगह है, चारों तरफ ये जगह ओपन है। तो आगे से फिर ये भी कमरे की तरह ये शुगा है, यानी क्वार्टर हो गया। तो क्वार्टर के साथ ये फिर एक बाथरूम ये है, ये पुराना सब काम हमारा हाथों का हुआ, 4 बिल्डिंग है इधर हमारे पास। तो अभी 3 महीने काम चेंज करवाया। अच्छा, ये सोचता कि यही पहले यही बार लगाएगा, लेकिन इसने यही नहीं लगवाया। तो अगर ये डबल भी लगा लेता तो वो ये सब हो जाता कि वो छुप जाती, लेकिन वो अभी जो है ना उसका पाइप वगैरह छुपते नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से आ रहा है। ये देख, ये भी बेसन लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो किस्म किस्म का इस 4 बिल्डिंगों में जो है ना हमने बेसन कमोड तो सब एक जैसा लगा हुआ है, इंडियन और इंग्लिश, और बाकी बेसन में जो इस तरह आप देख सकते हो, कई पत्थर के और कई इस तरह की है, तो बाकायदा इस तरह। अच्छा, तो ये इस तरह सऊदी में जो चेंजिंग होती रहती है। मैं थोड़ा सा आपको घर का विज़िट करा देता हूँ, तो जिस तरीके से आपने ये देख लिया, तो दूसरा भी आप देखोगे, लेकिन सऊदी में जो ये चेंजिंग होती है, आप काम करो तो आपको 2-3 महीने बाद बुलाता है, कहते हैं आ जाओ, मैंने यहाँ पे एक कमरा और बनवाना है, एक बाथरूम और बनवाना है, इसका पॉइंट छोड़। ये देखिए कितना प्यारा है, इस तरह प्यारा अगर बाहर लग जाता तो बड़ा ही अच्छा होता, वो मज़बूत भी होता है, लेकिन ये 2 का कोई पैदा नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर चीज़ ने पॉइंट हमें एक का छोड़ा और लगाया फिर बाहर 2, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, हमें तो करना पड़ता है। अच्छा, अभी ये 3 बिल्डिंग है बाहर, ठीक हो गया, 3 बिल्डिंग है। तो अभी मैंने इसका काम मुकम्मल कर दिया, अभी मैंने दूसरी बिल्डिंग तो में जाना है, दूसरी बिल्डिंग में मैं आ गया, ठीक हो गया। तो ये में यहाँ पे ये अभी मैंने इसको फिट कर देना है, और इसके साथ जो है ना फिर 3रा बिल्डिंग है, और 4थी में नहीं लगाना। तो ये 3 बिल्डिंग मैंने जो है ना अभी लगा देना है, ये बाकायदा आप देख सकते हो, यहाँ मैं फिट करूँगा, तो अभी आपको नजर आ जाएगा। ये इसने दोबारा बनवाया, ये सारा जगह इसने दोबारा बनवाया, 6 महीने पहले इसने दोबारा बनवाया ये जगह। ये तो यहाँ भी ये गिर ली थी बस, इस तरह से होता है, थोड़ा काम करो और पूरा एरिया बुलाया जाता है, और ये करो सारा करो। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले जो है ना आप डील करें सऊदी से अच्छी तरीके से, और ये चेंजिंग ये भी अभी नया नया हुआ, देख अभी भी इसको पलाट भी हमने नहीं लगाया, यानी मच्छर वाल भी हमने नहीं लगाया, सब बाकी है, क्योंकि ये भी नया लग गया। तो इस तरीके से ये नई काम में आया, और ये काम पहले हमने खत्म किया, पैक्सिन हमने किया था, बाकायदा ये एक पॉइंट हमने छोड़ा, अगर बोलते कि 2 बेसन मैंने
पोल लगाने फिर दो पोल डाल छोड़ते तो तब भी अच्छा होता, बड़ी सफाई के साथ आ जाता, लेकिन उसने बोला कि हमने एक बेसन लगवाना है बाहर बस। तो फिर बाद में लेकर आया दो, तो इसके साथ फिर कुछ सिस्टम होने से ये लग गया तैयार हो गया। ये दूसरी बिल्डिंग की ये देख उससे थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये वजह यही है कि बस काम अगर उनका क्या करे कि एक टाइम पे वो सही बात नहीं बोलते। कुछ इस तरीके से टी और इस तरीके से इसका पाइप जो मैंने लगाया, ये रबड़ का पाइप देख सकते हो, रबड़ ये पानी जो है ना आगे चालू कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो ये भी आप देख सकते हो बाकायदा ये तैयार हो गया। तो अभी इसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह तीसरी बिल्डिंग में जाऊँगा, वो भी अभी दिखाऊंगा। ये तीसरी बिल्डिंग में मैं आ गया, तीसरी बिल्डिंग में जो है ना ये अभी हमने लगा दिया, ठीक है। तो अभी जो है ना ये आप देख सकते हो इसका इतना काम हो गया, तो तीन बिल्डिंग में हो गया और एक में नहीं लगा था। ये टोटल चार बिल्डिंग यहाँ भी हमारे साथ थे और इसको बहुत पहले हमने काम खत्म किया। तो ये बाहर इसका देख सकते हो ये ओपन जगह, ये तीन मंजिल का तीसरा छत है। तो तीसरी छत के ऊपर जो है ना आखिरी जो छत होता है उसमें ज्यादातर कमरे वगैरह नहीं होता, ओपन जगह ज्यादा होता है, बाकायदा ये इस तरह काम है। लेकिन अगर ये एक लग जाता तो बहुत अच्छा होता, और अगर दो लगाने तो डबल, ये जो अंदर लगा हुआ है इस तरीके से अगर डबल लग जाता तो फिर वो नीचे इसके पाइप वगैरह सब जो है ना नीचे छुप जाती थी, तो कोई मसला नहीं होता था। लेकिन क्या करे, बस इसके वजह से जो है ना क्या इसके वजह से बस इस तरीके से आया। फिर उसने छत डाला, देखते हो इसका दीवार बनाया, ये अंदर से भी इसका ये काम हुआ है। ये बाथरूम इंडियन इंग्लिश काम वोड़ा हमने लगाया, काफ़ी बेहतरीन से ये प्लस्टिंग की आप देख सकते हो। तो पहले जो काम हो जाता है कहीं से वो बड़ा अच्छा ही होता है, बाहर जो बाद में जो काम होता है ये तो खर्चा ही किया जाता है, ऊपर से मजबूती भी नहीं होती, तरतीब भी अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बहुत सऊदी में यही मुश्किल होता है कि आपको हर वक्त लगाना पड़ता है। तो आपने बाइक को दे इजाज़त, मिलते एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।